मित्रों, हूँ पटेल रीता पीपी सवानी सारा परिवार तरफ थी आप सर्वनु हार्दिक स्वागत करू छूँ। आज आप गुजराती व्याकरण एक टॉपिक कर्ता कर्म और क्रियापद विषे समझूती मेरवीशू। कर्ता क्रिया करनार ने दर्शावता पद ने कर्ता कहे छे, एटले कि कर्ता एटले कि हूँ पोते। कर्म क्रियानी असर के क्रियानो विषय दर्शावता पद ने कर्म कहे छे। अहीं जे कोई पण क्रिया थई रही छे ए विषय दर्शावे छे तेने कर्म कहे छे। क्रियापद क्रियासूचक पद ने क्रियापद कहे छे। जेम के आपणे अहीं लईए तो बाळको रमे छे, दौड़े छे, वाचन करे छे, तो आ बधाज पदों में क्रियापद दर्शावे छे। तो विद्यार्थी मित्रों, आपणे अहीं बीजू लईए तो सामान्य रीते क्रियापद ने कोण वडे प्रश्न पूछवाथी करता मळे छे। कोण एटले के ज्यारे आपणा घरे कोईक मेहमान आवे छे त्यारे एने आपणे एक प्रश्न पूछे छो, तमे कोण छो, तो त्यां आपणने करता मळे छे। अने क्रियापद ने शुं वडे प्रश्न पूछवाथी कर्म मळे छे। समझायु बाळको? कोण वडे करता मळे छे अने शुं वडे कर्म मळे छे। उदाहरण तरीके लईए तो रमण पतंग चगावे छे। रमण अहीं करता छे कारण के मैं तमने ज पहला कीधुं हतुं पोते, तो त्यां आपणने करता मळे छे। पतंग अगर आपणे जोयुं कि क्रियानो विषय दर्शावे छे ते पदने, तो अहीं पतंग एक क्रिया करतो दर्शावे छे, सब्जेक्ट विषय दर्शावे छे, एटले पतंग अहीं कर्म बने छे। चगावे छे बाळको आपणे आगळ कह्युं ने के रमे छे, दौड़े छे, तो एवी रीते अहीं रमण पतंग चगावे छे, तो ते अहीं क्रियापद बने छे। समझायु बाळको? तो रमण करता, पतंग कर्म अने चगावे छे ए क्रियापद छे। एवी ज रीते બીજું ઉદાહરણ લઈએ તો ગૌરી છાસ પીધી, તો ગૌરી એ કર્તા છે, છાસ એ કર્મ છે અને પીધી એ ક્રિયાપદ દર્શાવે છે।